अगर ये यासिर से बात कर रही थी तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यही बात मैं इसको समझा रहा हूँ। ये होती कौन है हमारे घर के मामले में बोलने वाली? अलिश्बा माँ नहीं बन सकती। बच्चे के जाया होने के बाद ऐसी बड़ी खराबी पड़ गई है कि ये खुशखबरी वो आपको कभी नहीं सुना सकेगी। इतना मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें क्यों कर रही थी आपसे? क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? मतलब तुम खूब समझती हो, ज्यादा अनजान बनने की ना जरूरत नहीं है। तुम बहुत शकी हो, इसीलिए यासिर के दिल से उतर गई हो। अरे हमारे यासिर को कोई लड़कियों की कमी है क्या? हाँ, लड़कियों की कमी तो यासिर को वाकई नहीं है, क्योंकि इस घर में जो आपकी बेटी रहती है ना, वो यासिर के आगे पीछे घूम मत करो अपना। ज़बान खींच लूंगी तो मेरी बेटी का नाम लिया तो। मैं हो गया हूं बेजार तुमसे, बल्कि मैं तो क्या, जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, कोई भी तुमसे बेजार हो सकता है। अब ये क्या कर रहे हैं? तुम्हारा सामान पैक करूं ताकि तुम जाओ यहां से। छोड़ मेरा सामान। आई थक गया हूं मैं तुमसे, बख्श तो मुझे खुदा के लिए। मां नहीं बन सकती ना, इसलिए छोड़ रहे हैं मुझे। इस वजह से नहीं, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ऐसी जिसकी वजह से मैं तुम्हें छोड़ा। यासिर वो तो मैं बस ये कह रही थी कि अलिश्बा बस, मैंने कहा ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, और मैं किस खुशी में तुम्हें छोड़कर आ रहा हूं। मैं अभी तुम्हारे अब्बू को फोन करता हूं, वो आए, वो खुद तुम्हें लेके जाए यहां से। नहीं 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 यासिर, प्लीज प्लीज अब्बू को फोन मत करिएगा, वो मेरी और मुंतहा की वजह से पहले ही बहुत परेशान। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आइंदा आपको कभी भी परेशान नहीं करूंगी। मुझे तुम्हारी किसी बातें पर जरा सा भी एतबार नहीं है अलिश्बा, तुम में कंट्रोल है ही नहीं। तुम जैसी लड़की को बर्दाश्त करना मेरे हौसले से बाहर है। मैं थक गया हूं, मैं चाहूंगी तो अब मुझसे नहीं होगा। प्लीज एक मौका तो देकर देखे। अयान खाना लग गया, खाना खा ले। खबरदार, आइंदा जो तुम इन लोगों के मामले में बोली तो। शेरी पुप्पो, हम दोनों को गलत समझ रही थी, मैं खाली अपनी सफाई दे रही। तुमने कोई चोरी नहीं की है जो उनके सामने जाके सफाइयां दे रही थी? अयान अलिश्बा बहुत परेशान है, मैं उसको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहती हूँ। जो लोग दूसरों को परेशान करते हैं ना, वो ऐसे ही परेशान रहते हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ कुछ। इससे पहले कौन सा काम तुमने मुझसे पूछ कर किया? खुदा गवाह है यान, शादी के बाद मैंने आपकी इजाजत के बगैर कुछ भी नहीं। खुदा को बीच में क्यों ला रही हो? क्योंकि खुदा ही हकीकत जानते हैं। बस बस कर दो मुंता, अब बस कर दो मुझे बेवकूफ बनाना प्लीज। बेवकूफ आपको कौन बना रहा है, ये तो वक्त ही बताएगा यान आपको। जिस दिन वक्त बताएगा ना, वो दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। मैं अलिश्बा को लेके जाऊं डॉक्टर के पास के नहीं? कोई जरूरत नहीं है, जिसका मसला है वो अपने मसले खुद ही सुलझाएगा। तो बैठो घर में। नालायक सी लड़की ने मेरे लायक और काबिल भतीजे का क्या हाल कर दिया। अरे मेरे बच्चे, मैं कहती हूँ ढोल की तरह गले में क्यों उसे लटकाए फिर रहे हो? निकाल कर फेंक क्यों नहीं देते? जान क्यों नहीं छुड़ाते उससे? प्लीज पप्पू, मेरे सर में ऑलरेडी बहुत दर्द हो रहा है। सदकी मेरे बच्चे, ये दर्द भी तो उसी के दिए हुए है ना। तमीज नालायक लड़की जू की तरह चिपक गई है मेरे भतीजे को। ये मेरी नहीं,
अम्मी अब्बू के फैसले हैं, जो भी बात करनी है आप उनसे करें। हाँ मेरे बच्चे, मैं कब कह रही हूँ कि तुम उसके लिए मरे जा रहे थे, तुम्हें कोई कमी थी लड़कियों की भला? आप बताएं आप क्यों आई हैं, कोई बात कहनी थी आपको? नहीं ऐसी तो वो तब मैं ये कह रही थी कि तुम अगर अलिशबा को आज छोड़ दो ना, तो मैं आज ही अपनी सानिया को तेरे साथ ब्याहने को तैयार हूँ। सही बात है, एक नालायक लड़की को छोड़ के मैं दूसरी नालायक लड़की को अपना लूँ, ये चाहते हैं आप? बिल्कुल भी नहीं है मेरी बेटी ऐसी, अब तो वो बदल गई है। सुबह सुबह उठ के ना भाभी जान के साथ पूरे घर का नाश्ता बनाती है वो। जिंदगी में ना सिर्फ नाश्ता ही सब कुछ नहीं होता पप्पो, और भी बहुत से मामलात होते हैं जो सिर्फ मुंतहा जैसी लड़की ही संभाल सकती है। वो तो बहुत ही चालाक है, बहुत ही चालाक लड़की है वो। अपने मियाँ को और ससुराल को ऐसे उसने मुट्ठी में किया हुआ है अपनी खुशामदों से कि बस क्या बताऊँ। आप खुशामद कहती हैं इसे? समझदार है वो, खिदमत गुजार है, जो ना तो अलिशबा में, ना वेरी सॉरी ना ही सानिया में है। सानिया अलिशबा जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है बेटा, बिल्कुल भी नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ ना कि वो बदल गई है, वैसे भी अब सुबह शाम मैं उसकी क्लासेस ले रही हूँ। पहले उसे कुछ नहीं कहती थी, बेचारी बिना बाप के एक ही थी, छूटती। जब आपकी क्लासेस ख़त्म हो जाए ना पप्पो, तो एक अच्छा सा लड़का ढूंढ के रुख्सत कर दे उसे, लेकिन प्लीज मुझे माफ रखें। खुद को शहजादा समझता है, बुड्ढा हो रहा है ये। शादीशुदा मर्द को मैं अपनी कवारी बच्ची देने को तैयार हूँ, मेरी बेटी को कोई रिश्तों की कमी? आयान के लिए ऑमलेट के साथ ना बल वाले पराठे बना लेती हूँ। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? क्यों, अपनी बीवी को देखना जुर्म है क्या? तो टैक्स लगता है? अगर आंटी आ गई ना तो टैक्स वाकई देना पड़ जाएगा। अरे अम्मी की बातों को ना ज्यादा सीरियसली मत लिया करो। अम्मी के तीन चार जुमले वो हमेशा वही रिपीट करती रहती है। ऐसे नहीं कहते यार, बुरी बात है। और नहीं तो क्या, सच कह रहा हूँ। मुंतहा ऑफिस से पहले नाश्ता बना के जाना, मुंतहा ऑफिस आने के बाद सालन बना दो, तुमने रोटियां बना दी, आइसक्रीम खाने क्यों गए थे, इतना लेट घर पे आए हो? आंटी तो पता चला मैं नहीं डरता। अरे माँ है, मतलब थोड़ा डरना तो बनता है। क्या कर रही हो इतनी देर से, खाली टमाटर काटे जा रही हो? चलो लाओ मैं हेल्प करा रही हूँ। नहीं नहीं मैं, अच्छा क्या है? क्या अंडा बना रही हो ना, मैं करा देता हूँ, लाओ। सुने, एक अंडा उबाला तो है नहीं आज तक, आपने ऑमलेट बनाएंगे आप? मैं ना बहुत बड़ा शेफ नहीं हूँ, लेकिन एक अंडा तो बना ही सकता हूँ ना यार। अयान जिसका काम उसी को सांचे, प्लीज किचन में कबाड़ा ना करे, पहले ही बहुत गंद हो गया। अरे लड़कियां मरती हैं ऐसे शौहरों के लिए जो काम में उनका हाथ बटाते हैं। लेकिन मेरा उन लड़कियों में शुमार बिल्कुल नहीं है। लाओ तो।
ट्राई तो कर ही सकते हैं ना। अरे अयान, तुम जब तक प्याज काटो मैं ये अंडा तोड़ दूँ। अरे क्या क्या हुआ मुमताज, दिखाओ। अयान मेरा हाथ कट गया यार। तुम्हारा फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ रखा है? अब कहाँ रखा है वो? हाथ दिखाओ। ऐसी लाना मत हाथ। क्या रखा करो यार, देखो कितना खून निकल गया तुम्हारा, देख के काटा करो यार। से हाथ काट लिया, अब ठीक है? जब तक मैं हूं ना तब तक तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगा। अपना ख्याल रखा करो यार प्लीज। ठीक है, अब तुम हट जाओ बिल्कुल, अब सब कुछ मैं करूंगा। अब मुझे बताती जाओ बस करना कैसे। जिंदगी भर के लिए मेरे जख्मों की मसीहाई का दावा करने वाला आज मुझसे यूं बदगुमान हुआ है जैसे ना उसे मेरे जख्म देख रहे हैं, ना ही मेरी तकलीफ, ना ही अजियत। अयान उठ जाए ना, नाश्ता भी लग गया है। मैं कोई तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूं, जो रोज सुबह उठ के तैयार होके तुम्हें ड्रॉप करने जाएगा। मैंने ड्रॉप करने की तो बात की नहीं, मैं तो नाश्ते की बात कर रही थी, मेरा तो मतलब था ही नहीं। तो और क्या मतलब था तुम्हारा? अयान जिम्मेदारियां ना दिल से निभाई जाती हैं, किसी के डर से नहीं। अपने फलसफे अपने पास ही रखो, जाओ ऑफिस। इतनी जहमत मत किया करो, आदत नहीं है मुझे इतने नखरों की। क्या हो गया यासर? अब जब मैं बदलने की कोशिश कर रही हूं तो आप बिल्कुल ही बदल गए हैं। अब तुम्हारे बदलने का क्या फायदा अलिश्बा, जब सब कुछ जल के राख हो चुका है। मोहब्बत, रिश्ते, बातें, एतबार, सब कुछ। अब तो बस निभाना बाकी है। जितना निभा सका निभाऊंगा, और जब हिम्मत खत्म हो जाएगी तो शायद वो भी मुमकिन ना रहे। हमका हम पे साया है, चैन भी न पाया है, रंजिश होने मेरे दिल को रात दिन रुलाया है। दिल कभी धड़कता था, अब तो ये तड़पता है, आरज़ू नहीं जलता है सुलगता है। वक्त ऐसा आएगा सोचाना तक भी, ख्वाब सारे टूटे टूटे, रूठी है खुशी, रूठी है खुशी। ये भी रख लेना। सॉरी आंटी, मुझे थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, हमें तो अब आदत हो गई। कुछ रह गया तो बताएं, मैं कर देती हूँ। तुम जाकर आराम से कुर्सी पर बैठो और नाश्ता करो। घूर क्या रही हो? क्या गलत कहा है मैंने? सुबह सुबह ना तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती मैं, इसलिए खामोश रहो। अलिश्बा, तुमने फिर वही हरकतें शुरू कर दी। अरे इस घर में सुकून रहने तो कुछ दिनों के लिए। आप सिर्फ मुझे क्यों कह रही है, सानिया को भी तो देखे ना। मैं सब कुछ देखती भी हूँ, सुनती भी हूँ, खामोश रहती हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि जिसका जो दिल चाहे करता फिरे। छोड़े मामी इसे, इसकी तो आदत है रोज के तमाशे लगाने की। आप आ जाए, मैं नाश्ता लेकर जा रही हूँ, ठंडा हो जाए। जल्दी आ जाओ।
नजर नहीं आ रहा आपको, ये सिर्फ दिखावा है। चलो दिखावा ही सही, करती तो है, तुम तो वो भी नहीं करती। इस बाइक के साथ अजीब ही मसला है, ऐसे आ जाए तो उसको बदलूं। क्या मसला हो गया इसका? वैसे मुंता, कुछ औरतों को ना ऐसे ही रखना पड़ता है, वरना ढीठ बन के सर पर बैठ जाती हैं, है ना? हो गई, शुक्र। आ मुंता, बैठो। आप बाइक बाहर निकाल लें, मैं गेट बंद करती हूँ। जरा क्लोज होके बैठना। वैसे कितनी हसरत है ना इसके चेहरे पे। एक वक्त मेरे और तुम्हारे चेहरे पर होती थी। मुझे तो देख के बड़ा मजा आ रहा है। आओ बैठो, आओ बैठो। कुछ जेलिस करते हैं, बैठो। चाहो तो हाथ रख लो। चलो मोहब्बत क्या एक दिखावा है जो किसी को चलाने के लिए की जाती है? कौन सी मोहब्बत? मोहब्बत रही का? अब तो बस दिखावा ही। तो दिखावे की जरूरत क्या है यार? अच्छा क्या करूं, सबको बता दूंगा क्या हरकत है तुम्हारी और मेरा क्या इरादा। जब आप मुझे छोड़ेंगे तो सबको पता चल ही जाएगा। तुम तो बहुत खुश होगी ना डिसीजन से? हाँ मैं खुश हूँ, यही सुनना चाहते थे ना। थोड़ी देर मुझे भी खुश होने दो। किसी को जला के कोई कैसे खुश हो सकता है यहाँ? उस यासिर ने जिंदगी भर मुझे नीचे दिखाया, जानबूझकर जलाता था मुझे, और अलिश्पा ने तो उसे जमीन पर ला कर रखा है ना। बिल्कुल सही कहा। यासिर तो गिर के समझ जाएगा क्योंकि अलिश्पा को अकल आ गई। आपका क्या होगा? मेरा मेरा क्या? आपको अंदाजा भी है कि आपकी बदगुमानी आपको कहाँ लेके जाके खड़ा कर सकती है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, टूट के बिखर जाऊंगा? बहुत मजबूत हूँ मैं, खुद को भी संभाल सकता हूँ और लोगों के सवालों के जवाब भी दे सकता हूँ। तुम परेशान मत हो। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान, आप खैरियत है? रात में बहुत झगड़ा हुआ है क्या? आवाजें आ रही थी। साजिदा अब तुम ये ना कहना कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। खुदा की कसम मुझे कुछ नहीं पता, मैं झूठ नहीं बोल रही। अस्तग़फ़िरुल्लाह भाभी, झूठी कसम तो ना खाएं, बुरा असर पड़ता है। क्यों, तुम्हें कैसे पता मैं झूठ बोल रही हूँ? आपकी शक्ल से देख लें भाभी, देख लें कैसे इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगाए जा रही है मुझ पर। खुदा के लिए तुम लोग चुप हो जाओ, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। अरे भाभी तो क्यों परेशान हो रही, मैं तो कहती हूँ अलिश्पा को किसी और डॉक्टर को दिखाएं। देख ले, देख ले, अभी कह रही थी अभी कि मुझे तो पता ही नहीं है। अरे नहीं नहीं, वो तो झगड़े वाली बात मैं पूछ रही थी, तुम तो ना बात का बतंगड़ बना देती हो शीरी। अरे तो झगड़ा था किस बात का, इसी बात पर ही तो था। मैं भी कहूँ कि इतनी बड़ी बात मुंतहा ने कैसे छुपाई? नहीं जी, मेरी मुंतहा ऐसी नहीं है, उसकी आदत नहीं है इधर की बात उधर करने की, बहुत सुलझी हुई बच्ची है वो। साजिदा तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी बहू बहुत अच्छी है। वैसे भाभी जान आप बुरा मत मानिएगा, मैं आपको शुरू से कहती थी ना कि अलिश्पा को ना जरा खींच कर रखें। अब मुझे देखें, मैंने मुंतहा को ना शुरू से उसकी औकात में रखा है, मजाल है कोई काम मेरी मर्जी के बगैर कर जाए वो लड़की। इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं है, वो बच्ची है ही बहुत सुलझी हुई और समझदार।
हमारी बहू की तरह नहीं है। वैसे ठीक कह रही हैं भाभी जान आप, ये बहू ये होती है, चाहे तो घर को जन्नत बना दे और चाहे तो जहन्नुम। मेरी मुंतहा ने तो मेरे घर को जन्नत बना दिया, जन्नत। अलिशबा ने जहन्नुम। देख लें भाभी जान, शीरी कह रही है, मैं तो नहीं कह रही वो। हाँ मैं लेसन लेने आई थी, पिसावा लेसन होगा ना, थोड़ा सा ले जाऊँ। हाँ हाँ है। हाँ मुंतहा नहीं थी, वरना तो वो पीस के रखती है। ड्रामे सेट करें ना, दोस्ती के लिए हाथ भी खुद ही बढ़ाओ और खुद ही झटक दो। क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कब कहा मैंने? तुम उससे छत पे नहीं मिला करती थी? बोलो, अभी चंद रोज पहले इसने मुझे बुलाया था छत पे, जब मैं ऊपर गया तो मुंतहा भाभी आ गई। ये मैं क्या करती रही हूं अब तक? इतना अच्छा शौहर और घर मिला था मुझे, अपनी लापरवाही और काम चोरी से सब बिगाड़ दिया है मैंने, कि लोग आज मेरे पीठ पीछे मेरा जिक्र इस तरह करते हैं। और मुंतहा, मुंतहा ने अपने सबर और खिदमत गुजारी से किस तरह सबके दिल जीत लिए हैं। साजदा आंटी जैसी सख्त औरत भी आज उसके गुण गा रही है। अयान जो मुझसे शादी के लिए मरा जा रहा था, आज वो कितना खुश नजर आ रहा था मुंतहा के साथ। और मैं तो बिल्कुल खाली हाथ रह गई हूं। ये सब कैसे ठीक होगा? इसके लिए मुझे खुद को मुकम्मल बदलना पड़ेगा, अपनी खिदमत गुजारी से। अरे अलिशबा क्या कर रही हो, चूल्हा बंद करो, सब जल गया। एक एक दाने का हिसाब देना होगा अल्लाह मियां के यहाँ। कैसे दोगी हिसाब? सॉरी वो ध्यान नहीं रहा मेरा। तो ध्यान रखा करो ना। किस किस चीज का हिसाब दोगी, अपनी बद अखलाकी का, बदतमीजी का, या दूसरों को परेशान करने का? हम तो सब हिसाब अपना भूले बैठे। हम का हम पे साया है, चैन भी ना पाया है, रंजिश होने मेरे दिल को रात दिन रुलाया है। दिल कभी धड़कता था, अब तो ये तड़पता है, आरज़ू नहीं कोई, जलता है सुलगता है। वक्त ऐसा आएगा। हाँ बोलो, क्यों बार बार कॉल कर रही हो मुझे? यार तू मेरा फोन क्यों नहीं उठाती? तुम्हें क्या लगता है कि हर वक्त फाड़ी बैठी रहती हूँ मैं जो तुमसे बात करती रहूँ? हर वक्त? यार इतने दिनों से तुमने मुझसे बात नहीं की। तो क्या हुआ, अम्मी मुझे डांटते हैं कि हर वक्त फोन से चिपकी रहती हूँ मैं। अच्छा ठीक है, फिर शाम को आ जाओ छत पर, मुलाकात करते। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम चाहते हो कि कोई एक नई मुसीबत खड़ी हो जाए? अपनी मर्जी हो तो जब चाहो तुमने मुझे बुला लिया, मैं तुम्हारे हुक्म का गुलाम हूँ क्या? अभी मैं कह रहा हूँ तो तुम बहाने कर रही हो। उस दिन भी तुमने मुझे छत पे बुलाया और कहा थी तुम, तुम्हारी भाभी वहाँ मौजूद थी। देखो फाद, अम्मी मुझे आवाज़ दे रही है, मुझे जाकर रोटियाँ बनानी है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा ठीक है, शाम को मुलाकात करते हैं छत। मैं वादा नहीं कर रही, देखूंगी।
हाँ सामान तो आ गया, थोड़ा सा रह गया जी। हाँ ओके ओके, भिजवा दीजिएगा। शुक्रिया। हो गया अबा, ये साहब हो गया। मैं ज़रा एक आधे घंटे में आता हूँ, आप दुकान संभालें। कहाँ जा रहे हो? अबा वो फैक्ट्री जा रहा हूँ साथ के पास, कुछ पैसे फंसे हैं उसके पास, मुंतहा के हैं, प्रेशर डालूंगा तो वो देगा ना। अच्छी बात है, लेकिन देखो झगड़ा मत करना, सहूलत से बात करना, और वापस आने की जरूरत नहीं, मुंतहा को लेकर घर चले जाना। अबा मैं कहाँ झगड़ता हूँ? हाँ नज़र आ रहा है, इतने तो सीधे हो तुम, कितना झगड़ते हो मुंतहा की शक्ल से साफ नज़र आ रहा है। हाँ सुनो यार, तुम्हारे घर में भी बहन है ना, तुम सोचो अगर तुम्हारी बहन रुख्सत हो गई और तुम्हारे जैसा शौहर मिल गया तो क्या होगा फिर? हाँ हम दूसरों की बेटी के साथ अलग सलूक रखते हैं, अपनी बहनों के साथ और सलूक होता है हमारा। पर अल्लाह ना करे मानो को बुरा शौहर, क्यों ऐसी बातें करते हैं? हाँ यार, अपनी बहन के लिए ऐसी सोच, दूसरों के लिए और सोच। अब्बा आपको वहम हो रहा है, मुंतहा बिल्कुल खुश है। बेटा जितनी खुश है ना उसके चेहरे से मुझे साफ नजर आ रहा है, ठीक है ना? ज्यादा बेकार बातें मत करो। अच्छा अब्बा मुझे देर हो रही है, मैं निकल रहा हूँ। अच्छा सुनो, खुद को बदलो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ख्याल से जाना, सौ दफा का हेलमेट पहनो, सुनता नहीं है बात मेरी। सर आप अंदर नहीं जा सकते। छोड़ो मुझे, छोड़ो के, छोड़ो मुझे। सर मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की मगर ये। तुम जाओ, मैं बात करूंगा। हाँ जी, क्या मसला है, क्यों आए? तू जानता है मैं यहां क्यों आया हूं? देखो यार, मैं तुम्हें बता चुका हूं, फैक्ट्री का नुकसान हुआ है और तुम्हारे पैसे भी लॉस में चले गए। ये तू अच्छा नहीं कर रहा मेरे साथ साथ। मैंने तुझ पे भरोसा किया था, अपना भाई समझ के वो पैसे मैंने तुम्हारे हाथ में रखे थे। तू जानता है कि वो पैसे मेरे नहीं थे, मुंतहा के थे। अब उसके सामने मैं इतना शर्मिंदा होता हूं कि। अच्छा तो बीवी के पैसे खर्च करते हुए शर्म कहां चली गई थी तुम्हारी? ए, ये मेरा पर्सनल मैटर है, समझा? अच्छा ठीक है, मेरा दिमाग ना खराब करो, अब जाओ यहां से। तुमसे ठीक नहीं मांग रहा हूं, अपने दिए हुए पैसे मांग रहा हूं अपने। तो अब नुकसान हो गया ना, क्या करूं मैं? अच्छा ये बात तुमने मुझे पहले तो नहीं बताई थी कि अगर नुकसान हो गया तो मेरे सारे पैसे तुम हत्या लोगे? हाँ ये अच्छा है भाई, अब कारोबार में ऊंच नीच हो जाती है, नफा नुकसान हो जाता है, अब अगर नफे के पैसे दूंगा तो सूद होगा ना। तो ये बात तुम मुझे पहले बताते ना। अब बता रहा हूँ ना, अब जाओ यहाँ से, तंग नहीं करो यार मुझे, जाओ। मेरे हलाल के पैसे थे, तू मेरे साथ धोखा कर रहा है ना, भुगतेगा तू, याद रखना। वक्त आएगा ना तो मैं देख लूंगा, अब जा यहां से। मुझे तो धोखा सकता, मुझे तो तू धोखा दे सकता है लेकिन अल्लाह के यहां सारा हिसाब लिखा होता है। तेरा बुरा वक्त अब शुरू हो चुका है, अपने वक्त का इंतजार कर। ये दोपहर से गुस्सी किचन में क्या कर रही है? अरे शाम की चाय का इंतजाम कर रही है, कोई पकोड़े समोसे वगैरह तल रही है। वो किस लिए? आपने रोका नहीं? क्या हो गया शीरी? यासिर की सालगिरह है आज, उसी का इंतजाम कर रही है। तो भाभी सब कुछ बाजार से मंगवा लेती। तुम्हारा मसला क्या है? वो काम कर रही होती तब भी तुम्हें परेशानी रहती, नहीं करती तो भी तुम नाराज रहते। उसे क्या परेशानी होनी भाईजान, वो काम करे तब ना, सिर्फ पैसे की बर्बादी करती है। अरे भाई पैसे की बर्बादी से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर पैसे की बर्बादी करके घर का सुकून हासिल होता है तो इससे अच्छी और क्या बात है, होने दो। सानिया का है? उसका हाथ वाथ बटा रही है या नहीं बटा रही है? वो बटा ही लिया हाथ बस। भाभी जान वो सानिया मानो को लेकर गई भी है, शाम हो गई अभी तक नहीं आई वापस। क्यों, मानो छोटी सी बच्ची है कि सानिया उंगली पकड़ेगी और लेकर चली जाएगी? खुद पूछ ले फोन करके। शीरी वो अपना फोन गलती से घर भूल गई, इसीलिए पूछ रही हूं मैं। अरे साजिदा क्यों परेशान हो रही हो, आओ बैठो, आ जाएगी। अच्छा आओ बैठो, आज हमारे साथ चाय पी के जाना,
आज हमारी बहू केक बना रही है यासिर की सालगिरह का। अलिश्बा केक बना रही है? उसे ऐसे ही गई गुजरी मत समझना। बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं खालिद को ही फोन कर दूँ, उसे कहता हूँ आयान को लेकर यहीं आ जाए। हाँ ये तो बहुत अच्छा होगा। हाँ ये ठीक रहेगा। आप क्यों आए मुझे लेने के लिए? मैंने आपको कहा है ना कि मैं अब आपकी जिम्मेदारी नहीं हूँ, मैं खुद ही चली जाऊंगी। फजूल की बात मत करो, बैठो। वैसे ही मैं तुम्हारे सामने शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा क्यों? गया था मैं उस साहब के पास, हमारे पैसे लौटाने से मना कर दिया उसने। क्यों गए आप साहब के पास? मैंने मना किया था ना यान आपको कि आप उससे पैसे नहीं मांगेंगे। जाना जरूरी है, तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए वापस। मैं तुम्हारे पैसे किसी भी कीमत पर तुम्हें वापस करूंगा। मुझे पता है आप मेरे पैसे मुझे देकर मुझे अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल देंगे ना यान। कभी ना कभी तो ये होना ही है। मुझे पैसे नहीं चाहिए। आप कहते तो मैं आपको लिख के दे देती हूँ। मुझे भी तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए वो तुम्हारे पैसे और वो तुम्हें वापस मिल के रहेंगे। अब बैठो चुपचाप बैठो। इतनी देर कर दी सानिया तुमने बातों में, अब देखना अम्मी बहुत गुस्सा होंगी। नहीं कुछ नहीं होता, कह देंगे ना कि समरा ने बिठा लिया था, तुम भी ना। ओहो एक तो ये छिछोरा जान ही नहीं छोड़ा, पीछे ही पड़ गया। कह रहा था कि शाम को छत पर मिलना, अब नहीं गई तो देखना कैसे मुंह फैलाया होगा। सुना सुनो तुम इससे ना यहाँ पे कोई बात नहीं करो, सीधा इसी तरफ आ रहा है। मोहल्ले में अगर किसी ने देख लिया और भाई को पता चल गया तो जान से इग्नोर करो। कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? कब से छत पे खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा था ना। तो क्या लिख कर दिया था कि जरूर आऊंगी? नहीं आई, मेरी मर्जी। अभी फौरन छत पे आओ, ये तुमसे जरूरी बात करनी। लेकिन मुझे तुमसे कोई जरूरी बात नहीं करनी, चलो मानो। तो सानिया ही तुम अच्छा नहीं कर रही। धमकी दे रहे हो तुम मुझे? धमकी ही समझो। चलो सानिया मोहल्ले में कोई देख लेगा। छोड़ो मुझे, डरती नहीं हूँ मैं किसी से। अभी मोहल्ले में शोर मचाकर सबको इकट्ठा कर लूंगी और बोलूंगी कि आदमी हमें छेड़ रहा है। ऐसे लोग सिर्फ गीदड़ भपकियां दे सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। चल मानो। अरे शीरी जरा सानिया को फोन तो मिलाओ, कहाँ रह गए ये लोग, इतनी देर हो गई है। बस आती होंगी भाभी जान, वो सानिया के दोस्त के आ गई हैं, बैठ गई होंगी बातें। ये कोई वक्त है? ये सब कुछ बनाने की क्या जरूरत थी? आता जाता तुम्हें कुछ है नहीं, तुम हुजूर में शर्मिंदा करवाओगी। सुबह से मैं किचन में काम कर रही हूँ, कदर करनी चाहिए आपको मेरी। हाँ तो मुझे कहती थी ना, मैं ले आता बाहर से। देखें ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं शादी से पहले बहुत अच्छा केक बनाया करती थी, सब फरमाइश किया करते थे मुझसे। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे घर वाले इतने बदसौक हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। सॉरी इतनी देर लगा दी तुमने। हाँ पप्पू सॉरी, आने में थोड़ी देर हो गई हमें। अरे वाह किसकी बर्थडे आज? यासिर की बर्थडे बेटे। हैप्पी बर्थडे। ये केक नुमा चीज वाकई केक है क्या? खबरदार जो तुमने मेरे केक को कुछ कहा तो। अरे यार मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो बहुत जल्दी नाराज हो जाती हो। किसकी बर्थडे? यासिर की है। हैप्पी बर्थडे।
हैप्पी बर्थडे। एक काम करते हैं कि इसे काटने के लिए तलवार मंगवा लेते हैं, छुरी से तो ये कटेगा नहीं। सानिया, तुम क्या समझती हो? जब चाहोगी अपना लोगी, जब चाहोगी छोड़ दोगी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें हर हाल में मुझसे शादी करनी होगी, समझे तुम? क्या बकबक कर रहे हो लड़के? इतना फालतू नहीं हूं मैं। दोस्ती के लिए हाथ भी खुद ही बढ़ाओ और खुद ही झटक दो। क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा कब कहा मैंने? क्यों, तुम उसे छत पे नहीं मिला करती थी? बोलो। झूठ बोल रहे हो तुम, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। अरे आंटी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अभी चंद रोज पहले भी इसने मुझे छत पे बुलाया था। बकवास कर रहे, झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा। सच कह रहा हूं मैं, यकीन करो मेरा। अभी चंद रोज पहले इसने मुझे बुलाया था छत पे, जब मैं ऊपर गया तो मुमताज भाभी आ गई। तुम्हें डर के मारे भाग गया। और तुम्हारी बकबक भी बहुत हो गई, समझे? जाओ अपने घर और अपने बुजुर्गों को भेजो। वो किस लिए भाईजान? मैं चाहता हूं कि इन दोनों का निकाह कर दिया जाए जल्द से जल्द। मेरे ख्याल में इसके अलावा कोई चारा नहीं है। जी, मैं जल्द लेकर आऊंगा। मामू जान, ये झूठ बोल रहे, बकवास कर रहे। मैंने इसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। खामोश रहो। ये बात तुम खुद बताओगी या मैं दूसरा तरीका इस्तेमाल करूं? मामू, झूठ बिल्कुल नहीं, समझी? जानते हैं तमाम लोग के मुझे झूठ से सख्त नफरत है। सानिया, बता दो जो भी सच। अरे कब से चल रहा है ये फात वाला सिलसिला? ऐसा कुछ भी नहीं है अम्मी। वो लड़का झूठ बोल रहा है, जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ा हुआ है। और उसकी इतनी जुर्रत हो गई कि वो इस घर में घुसा है? और उसने मुंताह का नाम क्यों लिया? हाँ, ये बताओ। वो छत पे आया और साथ ही मुंताह ऊपर आ गई। तुम बताओ मानो, बताओ मुझे।
अरे मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ। भाभी को हमने छत पर भेजा था।